और वो कहते हैं कि अगर आप 3 महीने तक शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो न्यूरॉन्स के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया 241% तक बढ़ जाती है। आज तक किसी भी तरह की रिसर्च के इतिहास में इस तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। सिर्फ 21 मिनट के एक आसान से अभ्यास से आपके दिमाग के काम करने की क्षमता 241% बढ़ जाती है और न्यूरॉन्स का पुनर्निर्माण होता है। सौर मंडल की बनावट और अंतरिक्ष की ऐसी ही दूसरी प्रणालियां, आकाशगंगाएं वगैरह, ये सब इस रूप में हैं, क्योंकि वो ज्यामिति की एक सटीकता तक पहुंच गई है। ज्यामिति यानी अभी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसे अपनी सटीक ऑर्बिट मिल गई है, इसीलिए ये लगातार घूमे जा रही है। कोई इंजन इसे नहीं चला रहा। देखिए, हवाई जहाज उड़ रहा है लेकिन उसे इंजन की शक्ति के कारण धक्का मिलता है, इसे कोई धक्का नहीं मिल रहा। ये बस ज्यामिति की सटीकता तक पहुंची और ये घूमे जा रही है। जिस दिन इसने अपनी ज्यामिति की सटीकता खो दी, इसने अपनी ऑर्बिट खो दी, ये गई काम से। तो इस प्रक्रिया में इस ग्रह पर जीवन भी पनपता है। इसी ज्यामिति को विभिन्न स्तरों पर शामिल करके हम यौगिक संस्कृति में कहते हैं कि इंसान शारीरिक रूप से और दिमाग के मामले में भौतिक विकास की चरम सीमा तक पहुंच गया है। यानी कि लाखों सालों के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर से एक सींग निकल आए, जैसे कि पूंछ गायब हो गई, कुछ और गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा एक खास संदर्भ से कह रहे हैं। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंटिस्ट्स भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसान के दिमाग में न तो न्यूरॉन का आकार बढ़ सकता और न ही अंदर की वायरिंग बढ़ सकती है, क्योंकि भौतिक नियम इसकी अनुमति नहीं देते, लॉज ऑफ फिजिक्स इसकी इजाजत नहीं देते। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। इसे सरल शब्दों में कहें तो हम इसे यूं देखते हैं। आपका जन्म इस ग्रह पर, सारा जीवन सौर ऊर्जा पर चलता है ना? हाँ, ये सूर्य की ऊर्जा है जो ये सब कर रही है। साथ ही साथ चंद्रमा के गोल घूमने और चक्कर लगने का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। समुद्र का स्तर भी चांद की गति के साथ कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी माताओं के शरीर चंद्रमा की परिक्रमा के साथ तालमेल में थे। हम पैदा हुए और अभी हम यहां हैं। हाँ, अगर चंद्रमा की 28 दिन की परिक्रमा महिलाओं के शरीर में खुद को न दोहराती तो आप और मैं पैदा ही नहीं हुए होते। तो चूंकि ये उस हद तक पहुंच गया है, हम कहते हैं कि भौतिक नियम इस हद तक पहुंच गए हैं कि इस ग्रह पर जीवन अब और विकसित नहीं हो सकता। आपके पास जो कुछ भी है, आप उसका पहले से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले साधारण फोन, फिर स्मार्टफोन और फिर आईफोन बनाया। इसी तरह हम इसका बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, लेकिन मूलभूत भौतिक नियम इस प्राणी को और विकसित होने की इजाजत नहीं देंगे। तो क्या यह संयोग से हो गया? नहीं। विकास का सिद्धांत आप चार्ल्स डार्विन को जानते हैं, जिन्होंने कहा कि आप बंदर थे? मैंने नहीं, उन्होंने कहा। अगर आप विकास के सिद्धांत को देखें, जिसे सिर्फ 150 साल पहले ही प्रस्तुत किया गया था, हम हजारों साल पहले ये कह चुके हैं। मतलब क्या आप 10 अवतारों के बारे में जानते हैं? कम से कम 9 तो आप जानते होंगे जो आ चुके हैं। पहला क्या है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का मतलब है मछली या पानी का जीवन। इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत पानी के अंदर हुई। अगला अवतार क्या है? कूर्मा अवतार, एक कछुए की तरह उभयचर, आधा पानी में और आधा जमीन पर। अगला है वराह अवतार, सुअर या जंगली सुअर। सभी स्तनधारियों में से जंगली सुअर एक ऐसा जानवर है जो अपने शरीर के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। हम जंगल के पास रहते हैं, हम देखते हैं कि आदिवासी लड़के हिरण को एक छड़ी से मार सकते हैं। अगर आप उसे एक छड़ी से मारते हैं तो वो मर जाएगा। गली के कुत्ते हिरण का शिकार कर सकते हैं,
पर जंगली सुअर को मारने की आप कोशिश करके देखिए, उसे मारना इतना आसान नहीं है। आप उसे गाड़ी से ठोक दीजिए, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, फिर भी वो चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो शरीर से मजबूती से जुड़ा होता है, उसका जीवन बहुत शारीरिक है। तो जीवन का अगला रूप था वराह अवतार। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सृष्टि के रचयिता की पहली अभिव्यक्ति थी मछली, फिर एक कछुआ, फिर एक जंगली सुअर, अगला है नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर, अगला है वामन, एक बौना आदमी, अगला है एक पूर्ण रूप से विकसित लेकिन भावुक होकर धीरज खो देने वाला इंसान परशुराम, अगला है एक शांतिपूर्ण इंसान राम, अगला है एक प्रेम करने वाला इंसान कृष्ण, अगला है एक ध्यान में मग्न इंसान बुद्ध। The next is supposed to be a mystical being yet to come. माना जाता है कि अगला दिव्यदर्शी होगा जो अभी तक आया नहीं है। ये बिल्कुल डार्विन के विकास के सिद्धांत की तरह ही है ना? ये दोनों एक ही क्रम में हैं, ठीक एक ही क्रम में। डार्विन ने अपना सिद्धांत सिर्फ 150 साल पहले प्रस्तुत किया था, यही बात 12 से 15,000 साल पहले कही जा चुकी है, खुद आदि योगी ने इसके बारे में बताया था। तो अगर आप जीवन पर गौर करते हैं तो आप साफ साफ देख सकेंगे कि जो निर्जीव है उससे जीवन प्रकट हुआ और फिर उससे जीवन का विकास हुआ। हमने इसे हमेशा इसी तरह से देखा है, हमने हमेशा जाना है कि जीवन विकसित हुआ है। आप जिस भी मंदिर में जाते हैं वहां एक सांप होता है, ऐसे प्रतीक कई जगहों पर हैं, क्योंकि आज भी आपके दिमाग के एक हिस्से में रेंगने वाले जीव का दिमाग है। आप जानते हैं कि आपके दिमाग का केंद्रीय मुख्य भाग अभी भी रेप्टिलियन ब्रेन है और ये आज भी काम करता है। हमारे पास योग में अलग अलग अभ्यास हैं कि कैसे इस रेप्टिलियन ब्रेन से परे जाया जाए और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को काम करने दिया जाए, और आज हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने शांभवी महामुद्रा पर साइंटिफिक स्टडीज की हैं। ये बुनियादी क्रिया है जिसे हम सिखाते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप 3 महीने तक शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो न्यूरॉन्स के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया 241% तक बढ़ जाती है। आज तक किसी भी तरह की रिसर्च के इतिहास में इस तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। सिर्फ 21 मिनट के एक आसान से अभ्यास से आपके दिमाग के काम करने की क्षमता 241% बढ़ जाती है और न्यूरॉन्स का पुनर्निर्माण होता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप ज्यादा बुद्धिमान होते जाएंगे। आमतौर पर जवान लोग सोचते हैं कि आप मूर्ख होते जा रहे हैं। हाँ, आपका दिमाग असल में बढ़ रहा है, समझे आप, ये हर दिन बेहतर हो रहा है। अब वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं, हम हमेशा से ये जानते थे, पर आज एक मीटर को ये कहना पड़ता है। अगर कोई इंसान कहता है तो ये सच नहीं है, अगर कोई इंसान कहता है तो बात भरोसे के लायक नहीं है, किसी मीटर को ये कहना होगा। अब मीटर भी कह रहे हैं कि बस 21 मिनट का अभ्यास करने से आपका दिमाग असल में बढ़ रहा है, और आप मीटर पर यकीन मत कीजिए, आप बस 3 महीने तक ये अभ्यास कीजिए और देखिए, आप पाएंगे कि अचानक आपका दिमाग कितना स्पष्ट और कितना तेज हो जाएगा।